हूँ अवरेश कुमार आनंद। जिस प्रकार से बिहार में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव लेकर इस बार जो है यहाँ पौसी प्रखंड के अंतर्गत चुनाव की लहर है, इसी बीच यहाँ के सिकंदरपुर पंचायत में पहुँचे हुए और मुखिया प्रतिनिधि से जानते हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया। मेरा नाम रविकांत यादव, आपने मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिकंदरपुर घोषित। अच्छा, आपकी पंचायत में आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया? मैं अपने कार्यकाल में अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 650 आवास विगत 5 वर्षों में हमने पूरा करवाया। गली नली, पेवर ब्लॉक रोड कितने नंबर है? पेवर ब्लॉक रोड 2000 फीट, गली नली योजना के तहत हम लोग बृहद पैमाने पे नाली 12,000-13,000 फीट, PCC कम से कम 25,000 फीट हम लोग पूरे पंचायत के अंदर हर वार्ड में समान दृष्टिकोण से 15 वार्ड मेरे पंचायत में है, 15 वार्ड में 20 से 25 से 30 लाख का लमसम में हर वार्ड में हम लोग काम कराए हैं। मनरेगा के तहत PCC रोड, डांड बांध, पोखर पुलिया का निर्माण, जल मेरे पंचायत में जल छाजन से तालाब का भी 35 से 40 तालाब का निर्माण हुआ है और जल छाजन के तहत हम लोग डगवेल सिंचाई डगवेल का भी निर्माण हम लोग करवाए हैं और पंचायत के जनता के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करके हमने 5 साल जनता के बीच में ही गुजारे और जनता के लिए हम आत्म एकदम समर्पित रहते हैं। जब कोई जनता कभी याद करता है हमको, 12 देर रात में भी याद करेगा तो मैं उसका कॉल रिसीव करता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसका कष्ट को जानता हूँ और कष्ट को उसका निवारण करने का भी कार्य करता हूँ। हर क्षेत्र में जनता को के कार्य के लिए हम सतत प्रयासरत रहते हैं और जनता के बीच में 5 बार हम बिल्कुल रूबरू जाते रहे, मिलते रहे, जनता के संपर्क में ही मेरा जीवन गुजरा 5 वर्ष। और पंचायत में पेंशन की योजना के तहत भी 500 वृद्ध को हम लोग पेंशन दिलाने का काम किए 5 साल में, और पहले से भी पेंशन योजना है, फिर राशन कार्ड भी हम लोग बहुत वितरण करवाए। कोरोना काल में लोगों को मदद यथासंभव हम लोग करवाए, मान लीजिए कि सूखा चावल, दाल, ये सब सब्जी, आलू हम लोग वितरण कोरोना काल में करवाए। कोरोना काल में आदमी को, जनता को जागरूक करके बृहद पैमाने पे हम लोग वैक्सीन लगवाने का भी काम करवाया, जन जन जागरूकता करवाए, हर वार्ड को सूचना देते थे, हर पब्लिक को समझाते थे जाके। पहले तो ऐसा होता था कि 5-10 आदमी भी वैक्सीन लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, और हम लोग जब जागरूकता पंचायत में लाए तो वैक्सीन लेने के लिए एक लाइन लग जाता था, और ऐसा होता था कि वैक्सीन सबको नहीं हो पाता था, फिर दूसरे दिन उसको पूरा किया जाता था। तो ये मेरा पंचायत बहुत पिछड़ा था, पहले मेरा पंचायत में कुछ नहीं झलकता था हमको। आज जनता को हमने विकास करके ये परिचय दिया कि मुखिया क्या होता है, मुखिया का जनता के साथ क्या समन्वय होता है, ये हम साबित करने का काम किया और जनता से हमको बहुत प्रेम है। अगर हम नहीं पंचायत जाते तो उस दिन हमको मन नहीं लगता है। हम किसी भी गांव में पंचायत का डेली जाने का प्रयास करते हैं, हम कभी 5 साल घर नहीं बैठे, और हम दूसरा किसी भी काम पर में रुचि हमको नहीं है, सिर्फ पंचायत, जनता, विकास और पंचायत के अलावे हम लोग समाज से भी है और दूसरे पंचायत का भी लोगों का हम लोग सेवा करते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी को अगर बीमार है, गरीब है, लाचार है, उसको डॉक्टर इलाज का भी हम लोग मदद करते हैं। मान लीजिए
लाचार व्यक्ति है, कोई गरीब बच्चा है पढ़ने के लिए, उसके लिए भी हम लोग कुछ करते हैं, व्यवस्था करवा देते हैं। तो हम लोग सिर्फ समाज सेवा ही मेरा धर्म है और समाज के प्रति मेरा पहले से भी बहुत जागरूकता रहता है। मतलब ये मुखिया बनने के पहले भी हम लोग समाज के ही प्रति सब दिन ध्यान देते थे, तो समाज में हम लोग बहुत काम किए हैं। आपके पंचायत में कितना परसेंट कोरोना का टीका लग चुका है? मेरे पंचायत में कोरोना का टीका लगभग 75-80% लग चुका है। आपके पंचायत में विकास कितना परसेंट हुआ? मेरे पंचायत में हर क्षेत्र में 80% लगभग 80% विकास कहीं छूटा भी होगा? हाँ छूटा है। मान लीजिए विकास का फंड जितना हुआ हम लोग किए, मनरेगा से, 15वीं वित्त आयोग से, हम लोग 14वीं वित्त आयोग से, 5वीं वित्त आयोग से, मुख्यमंत्री 7 निश्चय से, हम लोग नल जल का भी तरफ काम करवाए। मेरे पंचायत में नल जल भी लगभग सुचारू रूप से सब चल रहा है। तो काम छूटा है वह मान लीजिए कि जीतने के बाद जनता उम्मीद करे, जीतने के बाद जनता को हम MM न्यूज़ के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी छूटा हुआ काम है सिर्फ 2 साल नहीं लगेगा और हम सब पूरा कर देंगे। उतने सा काम बचा है, बाकी हम लोग को काम खोजना पड़ेगा कि कहां पर हम काम जनता के लिए कराएं, विकास का काम का खर्च कहां करें, खोज के हमको जगह निकालना होगा। इस तरह हम अपने पंचायत में मेहनत करके 5 साल में जगह को बनाएं। सेवा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है।